सास बहु साजिश पर आज हम उस शख्स से मिलाने वाले हैं जिसने लाखों लोगों को डांस की ABCD सिखाई है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि है रेमो डिसूजा। तो आइए आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने ABCD किस तरह से सीखी है डांस की। वेलकम टू सास बहु और साजिश। थैंक यू एंड वेलकम टू माई हाउस। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि मेरी सुबह और पूरा दिन कैसा गुजरता है, मैं आपको थोड़ा सा घर की सैर करा देता हूं। तो ये है मेरा घर। ये है मेरी बीवी। एक्चुअली बिकॉज आई थिंक रेमो फ्रॉम द एयरफोर्स, वो पूरा घर एयरफोर्स जैसे ही रखता है। तो ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज टाइमिंग। तो ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग, कितना भी लेट हो ये 9 बजे उठ जाते हैं। आइए अब घर की सैर करते हैं। घर का सबसे इम्पोर्टेंट जगह जो है वो मंदिर है मेरा। जाने से पहले और जब भी घर से निकलते हैं, जब भी मेरे रूम से निकलता हूं, सबसे पहले दर्शन होती है इनकी। छोटे बेटे का रूम है, ये गैब्रियल का रूम है। सो वो फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन है, तो हर चीज फुटबॉल से जुड़ी है उसकी। ये मेरा रूम है और ये मेरे बड़े बेटे हैं ध्रुव। हाय। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे रूम में, मेरा जैसे कि सभी जानते हैं मुझे जूतों का बहुत शौक है। तो मेरे कलेक्शंस हैं, कुछ कलेक्शंस हैं जो मैं रोज पहनता हूँ। बट ये मेरे हैट्स सेक्शन है जो मैं जहाँ भी जाता हूँ शूटिंग। अच्छी बात यह है कि मेरी शूटिंग काफ़ी ज़्यादा अब्रॉड में होती है, तो जब भी मैं जाता हूँ वहाँ पे तो शूज़ और जैकेट्स ज़रूर कलेक्ट करता हूँ मैं। रूम के साथ एक अच्छी सी बालकनी है जो मेरे रूम में भी है, तो यहाँ पे आके यू कैन सी द व्यू। ये हॉल है, हॉल है, हॉल में एक छोटी सी बालकनी है। जैसे कि आपने देखा है कि मैं मानता हूँ बुद्धा को, तो हर जगह बुद्धा और जीसस क्राइस्ट दिखेंगे, घर में भी और मेरे बॉडी में भी बुद्धा हैं और जीसस क्राइस्ट। उसके अलावा भी कोई और दिख रहे हैं? हाँ, वो तो मेरे भगवान है माइकल जैक्सन, सारे भगवान हैं और गणपति हैं पीछे। सो ये है लाउंज एरिया जहाँ पे जब भी मेरे दोस्त आते हैं तो हम लोग बैठते हैं, और एक छोटा सा बार है। मुंबई का सबसे स्पॉट है सीलिंग। सीलिंग
फीलिंग से लेके पकोड़ा, यहाँ मुंबई ख़त्म होती है, वहाँ शुरू होती है और यहाँ ख़त्म होती है। सो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा जगह मिला जहाँ पे मैं खड़ा होकर ये कह सकता हूँ कि मुझे मेरे घर से पूरी मुंबई दिखती है। सो चलिए घर की कुछ और चीज़ें दिखाते हैं, और स्पेशली अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये दिखाना है आपको। ये मुझे 8 साल बाद पहली बार मुझे बेस्ट जज का अवार्ड मिला है। मेरे साथ वो सारे शादीशुदा जो आदमी है वो सब इस बात को ज़रूर मानेंगे कि बीवी की चलती है घर में, पति की नहीं चलती है। तो आपने मेरा वार्डरोब देखा, अब मैं बताता हूँ मेरी बीवी का वार्डरोब। देखिए अब आप सारे देख लीजिए, इनके जूते के कलेक्शन में से ज़्यादा हैं, इनके कपड़े के कलेक्शन में से ज़्यादा हैं, इनके चश्मे, इनके वॉचेस, इनके परफ्यूम के कलेक्शन में से ज़्यादा हैं। आप ये सेक्शन देख लेना। I work, okay? मैं I work in the office, तो I don't get paid, तो I get paid in kind. So that's why. रेमो ने कुछ नहीं, रेमो ने जिंदगी में एक बार मुझे एक रोज ला के दिया था और एक बार एक रिंग, बस। रोज फर्स्ट वैलेंटाइंस था, रोज वैलेंटाइंस पे था, एंड रिंग जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, बस। और उसके बाद ये सब हवे से आ गया है ना? वक्त हो गया शूट पे जाने का, तो अब कुछ खा लेते हैं हम लोग, एंड उसके बाद जल्दी जल्दी निकलते हैं। तैयार हो गए और अभी जाने का वक्त हो गया, लेकिन उससे पहले एक मैं मेरी बेटी से नहीं मिला है, सो प्लीज़ उनसे मिलिए। कम है फ्लफू, कम है, कम है। छोटी सी थी 4 महीने की, तब से है मेरे साथ और तब से यहीं पे है, 5 साल की हो गई अभी। जहाँ पे भी मैं जाऊँ वो पीछे पीछे आती रहेगी। अब घर के बाद भी जब जाएंगे हम लोग तो छोड़ने तो आ ही जाएगी।
ये मेरा मेरी ड्रीम कार है, मैं कुछ जैगवार खरीदना था। जब मुझे याद है कई साल पहले जब मैंने गाड़ियों के बारे में जब औकात भी नहीं थी कि स्कूटर लेने की, तब मैंने एक फ़ोटो देखा था जैगवार का किसी मैगजीन में। मैंने कहा कि यार कुछ बनूंगा ना तो ये गाड़ी ज़रूर। तो मैंने जैगवार लिया और मेरा फेवरेट कार है और बहुत ही स्मूथ ड्राइव है और मज़ा आता है। ये जो डांस का जो जुनून रहा है आपके अंदर, वो कब और कैसे आया? मुझे याद है जब मैं शायद 9th या 10th में था, तो मैंने माइकल जैक्सन का एक वीडियो देखा था, थ्रिलर। और जब उनको देखा डांस करते हुए, तो मैंने कहा कि यार ये तो मतलब कुछ अलग ही इंसान है, ऐसे कैसे मूव हो सकता है आदमी। उसके बाद से मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया और उसी वैसे ही हमने फिर मैं डांसर बन गया। ओके, और ये जो नाम है आपका रेमो डिसूजा, तो रमेश करके भी कुछ नाम था आपका ऐसे कुछ? जी हाँ, वैसे मैं पैदा हुआ हूँ हिंदू फैमिली में, और मेरे घर में मेरे भाई बहन मम्मी डैडी सब हिंदू हैं, इसलिए मेरा हिंदू नाम है पहला, वो है रमेश गोपी। उस नाम से मैं जाना जाता था स्कूल तक, लेकिन उसके बाद जब मैं कन्वर्ट हुआ कैथलिक जब बना, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ, तब मेरा नाम चेंज हुआ और तब मेरे को मेरे गॉडफादर जो एंथनी डिसूजा थे, उन्होंने मेरे को ये नाम दिया रेमो डिसूजा। कभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने जब भी शुरुआती दौर में डांस करते हुए कभी यू नो कोई एम्बेरस मोमेंट कुछ ऐसे आपकी लाइफ में जब भी शुरुआती किया होगा? मैं नया डांसर बना था, तो हमारे वहाँ पे जो थे वो हमारे वहाँ पे एक टैक्सी स्टैंड हुआ करती थी गुजरात में, तो वहाँ का जो हेड था, जो टैक्सी जो उधर का यूनियन लीडर था, वो मुझे जानता था। तो उसने कहा कि यार हमारे लिए शो करेगा, तो मैंने कहा करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तब तक मिला, तब एक ऐसा डेट बताया उस दिन पे 8 बजे इसी जगह पे मिलना। मैंने बोला चलो ठीक है, उस जगह पे मिलेंगे, वहाँ से जाएंगे कुछ शो करेंगे बाहर जाके। जैसे मैं उस दिन वहाँ पहुँचा, उसने बोला हाँ चलो शो कर रहे हैं, काफ़ी लोग सारे टैक्सी ड्राइवर से बाहर खड़े हुए थे। तो मैंने कहा शो कहाँ है? बोलता इधर ही रस्ते पे। मैंने कहा रस्ते पे डांस करना पड़ेगा? हाँ। बोला यहाँ पे हमारे लिए शो करना है। तो वो मुझे याद है कि मुझे रस्ते पे नचाया था उन लोगों ने, और ट्रैफिक चल रही है, लोग देख रहे हैं मुझे पागलों की तरह कि क्या हो गया इस आदमी को। तो या वो बहुत बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट था, आज तक किसी को नहीं बताया, ये पहली बार बताया। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मज़ा आया सास बहू और साजिश ये शो में अपना घर दिखाना और मेरे बारे में कुछ बताना। सो आई एम रियली रियली थैंक यू फॉर दिस शो। सो आई विल सी यू सून, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप डांसिंग। बाय बाय।